YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। खेल संग्राम में आप सभी का स्वागत है। विजय हजारे ट्रॉफी के सातवें दिन नौ मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला बिहार और मेघालय के बीच खेला गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बिहार ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 211 रन बनाए। जवाब में मेघालय की टीम 42.5 ओवर में 103 रन पर ही सिमट गई। इस तरह ये मैच बिहार ने 108 रनों से जीता। दूसरा मुकाबला मणिपुर और उत्तराखंड के बीच था, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए मणिपुर की टीम 37.4 ओवर में 125 रन पर ही सिमट गई। इस लक्ष्य को उत्तराखंड ने 26.2 ओवर में ही एक विकेट पर 127 रन बना हासिल किया और 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। दिन का तीसरा मुकाबला मिजोरम और सिक्किम के बीच था। पहले बल्लेबाजी करते हुए मिजोरम ने तरुण कोहली के 113 रन की शतकीय पारी की बदौलत 50 ओवरों में 6 विकेट पर 252 रन बनाए। जवाब में सिक्किम की टीम 43.3 ओवर में 10 विकेट पर 210 रन ही बना सकी। इस तरह ये मैच मिजोरम ने 42 रन से जीता। चौथे मुकाबले में बड़ौदा का सामना कर्नाटक से था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कर्नाटक ने 50 ओवरों में 10 विकेट पर 237 रन बनाए। कर्नाटक के लिए रवि कुमार समर्थ ने शतक लगाते हुए 102 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बड़ौदा के लिए केदार देवधर ने 123 रनों की शतकीय पारी खेली, जिसकी बदौलत बड़ौदा ने 43.3 ओवर तक 3 विकेट पर 230 रन बनाए। इसके बाद बारिश की वजह से मैच रोकना पड़ा और आखिरकार वीजेडी नियम के अनुसार बड़ौदा ने ये मैच 7 विकेट से जीता। पांचवा मुकाबला हिमाचल प्रदेश और विदर्भ के बीच खेला गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी विदर्भ के लिए अथर्व टाइड ने शतक लगाते हुए 148 रन बनाए। वही कप्तान फैज फजल ने भी 91 रन की पारी खेली। इस तरह विदर्भ ने 50 ओवरों में 7 विकेट पर 297 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हिमाचल प्रदेश के लिए अंकुश बेंस ने नॉट आउट 173 रन की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत हिमाचल प्रदेश ने 45.5 ओवर में 6 विकेट पर 298 रन बनाए। ये मुकाबला 4 विकेट से जीता। दिन के छठे मुकाबले में महाराष्ट्र और रेलवे आमने सामने थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी रेलवे की टीम ने 48.2 ओवर में 10 विकेट पर 180 रन बनाए। इस लक्ष्य को महाराष्ट्र ने 41.2 ओवर में ही 3 विकेट पर 186 रन बना हासिल किया और मैच 7 विकेट से जीता। दिन का सातवा मुकाबला छत्तीसगढ़ और आंध्र के बीच खेला गया। हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए छत्तीसगढ़ ने 50 ओवरों में 8 विकेट पर 248 रन बनाए। छत्तीसगढ़ के लिए आशुतोष सिंह ने शतक लगाते हुए 110 रन की पारी खेली। जवाब में आंध्र की टीम ने 50 ओवरों में 8 विकेट पर 250 रन बनाए। ये मुकाबला 2 विकेट से अपने नाम किया। आठवां मुकाबला उड़ीसा और दिल्ली के बीच खेला गया। टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए उड़ीसा ने 48 ओवरों में 4 विकेट पर 249 रन बनाए। जवाब में दिल्ली की टीम 48 ओवर में 10 विकेट पर 240 रन ही बना सकी। इस तरह ये मुकाबला उड़ीसा ने 9 रन से जीता। दिन का नौवां और आखिरी मुकाबला सौराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मध्य प्रदेश ने 45.5 ओवर में 10 विकेट पर 136 रन बनाए। इस लक्ष्य को सौराष्ट्र की टीम ने 40.3 ओवर में ही 3 विकेट पर 137 रन बना हासिल किया और मैच 7 विकेट से जीता।